हम तो गोवर्धन महाराज की शरण में इसलिए आए कि आखिरी वक्त पे गोवर्धन महाराज हमको हंसते खेलते अपनी गोदी में ले लें, कोई कष्ट न हो इस संसार में आके, बहुत गलत बुरे अच्छे बुरे कर्म किए सब, तो उनका पश्चाताप करते हुए कि भगवान अब हमें अपनी शरण में ले ले हंसी खुशी खेलते खेलते, कोई कष्ट नहीं तो किराए के लिए भी पैसे दिए और अगर उसने बताया कि खाने के लिए पैसे नहीं तो खाने के लिए भी पैसे। अच्छा इतना भी किया है, बस यही है कृपा हमारे। जय श्री राधे, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग है और मैं ये नई साल का जो वक्त आने वाला है, नई साल में हम प्रवेश करेंगे और जो भक्त हैं यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो शायद इसको लेकर भी कि नई साल में हम महाराज जी के चरणों में जाएँ, उनका जो आशीर्वाद है उसे प्राप्त करें, इस वजह से और यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, मुझे आज बहुत देखने को मिले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ गोवर्धन महाराज, मैं हूँ ब्रज क्षेत्र में, मैं हूँ ब्रज रज में। ये ऐसी रज है जहाँ जिसके लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, सारे देवी देवता भी तरसते हैं। तो महाराज जी मिले मुझे, दंडौती की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी मनोकामना है और क्यों इस अवस्था में दंडौती लगा रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में तो अपने जो बहू बेटे होते हैं उनका सुख लेते हैं, लेकिन क्यों लगा रहे हैं ये मैं इनसे जानूँगा। तो जय श्री राधे महाराज जी। क्या नाम है महाराज जी? नाम हरदयाल सिंह है। कहाँ से हैं? आगरा से हैं। तो महाराज जी ये जो दंडौती लगा रहे हैं आप? जी सर। तो कितनी लगा दी आपने, पहली है या फिर दूसरी है? दूसरी। पहली लगा चुके हैं? पहली कब लगाई थी? पहली करीबन 2-3 साल पहले लगाई थी। 2-3 साल पहले। तो ये महाराज जी से कब से जुड़े हैं आप? गिरिराज महाराज से? गिरिराज महाराज से मैं सन 1971 से जुड़ा हुआ हूँ। 1971 से। तो इस वक्त उम्र कितनी होगी महाराज जी? मैं हाईस्कूल में पढ़ता था। अच्छा, तब शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं। मंडोती में तो मैं प्रयास तो बहुत दिन से करता रहा था, पर इसी गोवर्धन महाराज की कृपा दो तीन साल से हुई है। दंडौती की तो थड़ेसरी तो बहुत दी है। अच्छा। हर महीने दी थी जी। और जितना बन जाता था उतना ही। तो मैं देख रहा हूँ कि माता जी जय श्री राधे, तो माता जी जब भी आप लगाते हैं दंडौती तो पैर छूते हैं तो माता जी ऐसे क्यों, इससे क्या होता है? मतलब पुण्य ले रही हैं आप प्रभु का? हाँ, प्रभु का पुण्य ले रही हैं। अच्छा, तो मतलब ये ऐसा होता है कि जब ऐसा होता है ये कि पति पत्नी होते हैं तो एक जोड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे के लिए पूजा करते हैं तो पुण्य एक दूसरे को लगता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये लगा रहे हैं तो पुण्य आपको मिलेगा। अच्छा, तो अब महाराज जी इतना बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? दो लड़के हैं, दो लड़कियाँ। सबसे निवृत्त हो चुके हैं, फ्री हैं? सबसे फ्री हैं। हम तो गोवर्धन महाराज शरण में इसीलिए आए हैं कि आखिरी वक्त पे गोवर्धन महाराज हमको हंसते खेलते अपनी गोदी में ले लें, कोई कष्ट न हो इस संसार में आके, बहुत गलत बुरे अच्छे बुरे कर्म किए सब, तो उनका पश्चाताप करते हुए कि भगवान अब हमें अपनी शरण में ले ले हंसी खुशी खेलते खेलते, कोई कष्ट न पाए, यही इच्छा। तो हम दंडौती लगा रहे हैं, शरीर में कोई कष्ट? हाँ, इसमें कोई कष्ट नहीं है, इसे तो बड़ा आनंद आता है। भगवान के गोवर्धन महाराज जहाँ कृष्ण भगवान नंगे पैर और गाय चराई है यहाँ रहे हैं इस रज में, हाँ बाल कीड़ा किए हैं, तो हम लोग ये धन्य होते हैं कि इसमें भी हम पवित्र हो जाएंगे रज हमारे स्तर पर आए। महाराज जी कितने दिन हो गए लगाते लगाते? ये तो कल से शुरू किए, कल से करिए आप धान घाटी से। तो ये बताएं महाराज जी की जैसे अभी आप लगा रहे हैं तो आपके बच्चों के बच्चे भी होंगे? वो बच्चे जी मेरा बड़ा बेटा है, इनका लड़का है ये, वो छोटा बेटा वो जा रहा परिक्रमा देता हुआ। तो मतलब पूरा परिवार? पूरा परिवार आता है क्योंकि एक ही नाम में बैठा है पूरा परिवार, भगवान त्राए तो सबको त्रा दे। जी नहीं, सब भक्ति में है। भक्ति। अच्छा, ऐसा नाती को भी सामने के ये आगे चल के ये भी ये भक्ति में रहे, ऐसा ना कोई भटक जाए, अब कले को बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। अच्छा माता जी इतना बताएं कि जैसे आप आती हैं तो घर पर सब कुछ छोड़ छाड़ के आती हैं, तो बहू मतलब कोई ये नहीं कहती है माता ये कहाँ जा रही हैं कैसे क्या, और घर पर कौन देखेगा? बहू देखेंगी, बहू देखती हैं, वही देखती हैं, वो तो खुश होती हैं, जाओ वो भी आती हैं। हाँ, वो भी आ जाती हैं। बहुत सही। तो प्रभु जी इतना बताएं कि माता जी ने हमेशा भक्ति में आपका सहयोग दिया, मेरा साथ दिया दुख सुख में, और ऐसी धर्मपत्नी आगे जाके 7 जन्मों तक मिलती रहे, यही गोवर्धन महाराज से प्रार्थना है। अच्छा, अभी जन्म लेने का भी मन है आगे? नहीं, मन ले चाहे न ले, पर मिले तो साथ साथ अगर ले तो ऐसी माता जी मिले, ये दुख सुख में शामिल रहे। तो पैसे से क्या करते थे? मैं वैसे तो किसान परिवार में पैदा हुआ था, मेरे पिता जी किसान थे, पर मैं आजकल एडवोकेट हूँ, 1975 से दीवानी कचहरी आगरा में वकालत करता हूँ। अभी हाँ, अभी वर्तमान में हूँ। ये मेरा बेटा भी वकील है, दोनों बेटे वकील है। अच्छा, वो भी अपनी करते हैं, जॉब करते हैं। हाँ, ये LLM में मैं LLB हूँ। अच्छा, तो ये भी इंटेलिजेंट है, वैसे सब कुछ कृपा गोवर्धन महाराज की कृपा, जब तक तो कोई कष्ट ही नहीं।
अच्छा, तो जब बाबा से जुड़े हो महाराज जी से, तब से क्या ऐसा देखा आपने परिवार में? जो मेरे परिवार ऐसा सकुशल है, मेरे परिवार ने भी अस्पताल नहीं देखा है किसी ने। अच्छा, और सब कुशल रहते हैं। तो सबसे बड़ी माया तो यही है कि निरोगी काया रहे, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। और कभी भगवान जितना जरूरत है अन्न धन की, जितने कुटुंब समाज है उतना भगवान दे रहा है, गोवर्धन महाराज की कृपा है। अच्छा, अब क्या मनोकामना ऐसी है जो दंडौती लगाई जा रही है? मैं तो दंडौती यही लगा रहा हूँ, मेरा बुढ़ापा है तो सब कुशल गुजर जाए, बस यही गोवर्धन महाराज से प्रार्थना है। तो ऐसा कभी हुआ प्रभु जी, इतना बताएं मुझे कि जैसे आप वकालत करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि आपने कभी किसी को ऐसा देखा हो जो आपके पास बिल्कुल गरीब आया हो, या ऐसा जो मजबूर आया हो, तो उसका क्या? ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन पर पैसा भी नहीं है और गरीब आते हैं, जिन पर आज से कल को खाने पीने, उनकी हमने मदद भी की है भगवान को पहचानते हुए। किराया देके भी भेजा है कुछ लोग ऐसे। अच्छा, आप भी करते हैं? हाँ, जिनके पास पैसा नहीं है जी, तो उनकी मदद भी करी है, और किराया नहीं तो किराए के लिए भी पैसे दिए, और अगर उसने बताया कि खाने के लिए पैसे नहीं है तो खाने के लिए भी पैसे दिए। अच्छा, इतना भी किया है? तो बस यही है कृपा महाराज जी, बस पूरा घर परिवार अच्छा रहे, अच्छे कर्म करें, बस यही है उनका वो आशीर्वाद। तो अच्छा महाराज जी, इतना और बताएं कि अब जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है आपकी, तो उसको भक्ति में जोड़ रहे हैं आप? हाँ जी, प्रयास कर रहे हैं कि ये बेटा है, ये नाती है, ये नाती है, ये भी दंडौती हमारे साथ लगाता है। दंडौती लगा रहे हो आप भी? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब भक्ति में है, मतलब जानते हो कि क्या कौन की लगा रहे हैं दंडौती? किसकी? गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन महाराज पूजा होती है दीपावली पे, वही है ये जो बनाते हैं गोबर से, माता जी अम्मा बनाती होंगी। हाँ भाई, तब आगे कब तक पूरी करेंगे, और फिर अब आगे का क्या विचार है? पहली परिक्रमा दंडौती 7 दिन पूरी हो गई थी जी, अब देखो गोवर्धन महाराज कितने दिन में करवाते हैं, अब फिर कब आएंगे फिर दोबारा से? अब फिर ऐसा लग रहा है जब तक जन्म रहे जब तक यहीं लगाते रहे, जब जिंदा रहे यहीं आते रहे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि क्या लीला है प्रभु श्री कृष्ण की, क्या लीला है गोवर्धन महाराज की, और ये वही गोवर्धन महाराज हैं जो कलयुग में बिल्कुल साक्षात हैं। अगर आप इनसे कोई भी मनोकामना अगर आप लेकर आते हैं दिल में भी, तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, ये ब्रज रज है, इस रज के लिए स्वयं ब्रह्मा और 33 करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं यहाँ आने के लिए, कि ये रज नसीब वालों को प्राप्त होती है। और प्रभु श्री कृष्ण जब यहाँ से जाने को थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस रज को नहीं छोड़ के जाना चाहता, क्योंकि ये रज मेरे भक्तों की रज है, साधु संतों की रज है, जो नसीब वालों को मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ जय श्री राधे, बोल गोवर्धन महाराज की जय।